हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं। ऑलरेडी मैं लेट हूँ क्योंकि पर्सनल रीडिंग अभी जस्ट कम्प्लीट हुई है मेरी और थोड़ा लेट हो गया आज। सो मैं फटाफट से रीडिंग करूँगी और फटाफट से पोस्ट करूँगी आप लोगों के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। उनके पर्सन की एनर्जी जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जी अभी इस वक्त कैसी है, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आप जन्माष्टमी कब मनाओगे, जन्माष्टमी आप कल मनाओगे 6 को या 7 को। तो देखिए 6 और 7 दोनों को जन्माष्टमी है, लेकिन मैं 7 को मनाऊंगी, ठीक है। और 7 को इसलिए मनाऊंगी क्योंकि उस दिन ज़्यादातर जगहों पर मनाया जाएगा। द्वारका मंदिर में भी और वृंदावन में भी 7 को ही मनाया जाएगा। तो जो भी भागवत को फॉलो करते हैं, वैष्णव को फॉलो करते हैं, वो लोग 7 को मनाएंगे। लेकिन मैं कल और परसों दोनों ही दिन अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी, लेकिन परसों मेरा मेन होगा, फास्ट जो मैं रहूँगी वो परसों रहूँगी। तो आप चाहें तो कल भी रह सकते हैं, चाहें तो परसों रह सकते हैं, क्योंकि जिस दिन मंदिर में मनाया जाएगा मैं भी उसी दिन सेलिब्रेट करूँगी, ठीक है। क्योंकि मज़ा तभी आता है जब सब जगह मनाया जाए, है ना। तो ये मेरी अपनी वो है, बाकी आप 6 को भी मना सकते हैं, 7 को भी मना सकते हैं। जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए कहा जाता है कि आप 6 को मना सकते हैं और जो मंदिर हैं उसमें 7 को मनाने के लिए इंडिकेशन दी गई है, बट मैं 7 को ही मनाऊंगी क्योंकि मुझे तभी मज़ा आता है जब सब जगह सेलिब्रेट हो एक साथ, है ना। आजकल तो हर त्यौहार में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हर त्यौहार 2 दिन कन्फ्यूजन रहता है, कौन से दिन है कौन से दिन नहीं है, बड़ा अजीब सा हो गया है सब कुछ, सिस्टम में खराबी। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स के पर्सन। कंप्लीशन, किसका किसका यूनियन हो गया आज के दिन में, नहीं हुआ है तो घबराओ नहीं, होने वाला है। वन बाय वन एट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज्यादा है इतने कार्ड्स में एक बार में नहीं लूंगी, विल टेक वन बाय वन। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स विद ओवरऑल एनर्जी ऑफ डेथ। क्यों आए एंजल्स 10 ऑफ सोर्ड्स, क्यों ये हाल कर रहे बैठे हैं आपके पर्सन। मजिशियन एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स विद 2 ऑफ वॉन्ड्स विद 4 ऑफ कप्स। ओके, 8 ऑफ कप्स क्यों आया है, किसके लिए आया है, एम्प्रेस के लिए आया है। इमोशनली विड्रॉ कर चुके हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पर्सन, मतलब ये जो एंडिंग है ये इसके बाद आई है, तो एंडिंग यहाँ पर थर्ड पार्टी की हो चुकी है। काफ़ी लोगों की पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज हो चुकी है। ओके, तो करंट एनर्जी की बात करें, साइन की बात करें तो सभी साइन है। साइन से याद आया, आज मैंने वर्गो असेंडेंट लोड किया है और लास्ट में जो टाटा बाय बाय करती हूँ वो पता नहीं, मैं पानी पीने लगी थी तो वो लास्ट का 1 मिनट स्किप हो गया आई थिंक, एडमिन ने लोड ही नहीं किया उसको, इसीलिए मैं खुद से ये सब काम करती हूँ। तो अभी उसको डांट भी पड़ी है कि कैसे स्किप कर दिया, क्योंकि लास्ट का 1-2 लाइन रह गया था। तो वे जैसे ऑडियो को पॉज किया जाता है ना कि भाई पानी पी रहे हैं, अभी इतना बड़ा वीडियो है 22-23 मिनट का, तो लास्ट में जो 1 मिनट का होता है टाटा बाय बाय एंड एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं
वो रह गई। इसीलिए कुछ लोगों ने लिखा था वर्गो असेंडेंट में कि मैम लास्ट का ऐसा लग रहा है कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा है। तो मैंने पूरे 12 हाउसेस बता दिए थे एक बार में। लास्ट का जो वही था एक दो लाइन, वो स्किप हो गया क्योंकि उसको ऐड करना चाहिए था, बट वो ऐड नहीं हुआ। तो मैंने दोबारा से पोस्ट नहीं की। मैंने बोला अब इतने के लिए क्या डिलीट करूँ, क्या पोस्ट करूँ। तो जो पूछ रहे थे उनको बता रही हूँ। कमेंट में कुछ लोगों ने पूछा था मैम थोड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा है, क्या अधूरा है? तो अधूरा नहीं है। लास्ट की जो मैं बोलती हूँ कि कुछ ऐड ऑन करना चाहे तो कर सकते हैं, उसी टाइम मुझे प्यास लग गई और वही 2 मिनट का ऑडियो जो है वो स्किप हो गया। एनीवेज कोई बात नहीं, होता रहता है, अपने ही लोग हैं, अपना ही चैनल है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है गाइज, आपके पर्सन की शुरुआत हुई है 10 ऑफ कप से, मतलब इनकी जो डिज़ायर है, इनकी जो विश है, इनकी जो एक होती है ना क्रेविंग, वो है कम्प्लीशन। ही और शी वॉन्ट्स टू गेट कम्प्लीट विद यू, ठीक है? तो आपके साथ कम्प्लीट होने का जो एक क्रेज़ है, एक क्रेविंग है, वो इनके अंदर है। इन्हें ऐसा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है इस वक्त, स्पेशली फुल मून के बाद से इनके एनर्जी में ऐसा बहुत ज़्यादा है कि मतलब मेरे पर्सन के लिए मुझे कुछ स्टैंड लेना है, मेरे पर्सन के लिए मुझे कुछ तो करना है, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। तो अब ये जो एनर्जी है इनके लाइफ में, कुछ कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं, जो कार्मिक सिचुएशंस यहाँ पर थर्ड पार्टी है, 3 नंबर क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स को, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं इनके लाइफ में जो इनसे किसी पर्पस से जुड़े हैं, और जब तक ये उनके पर्पस को फुलफ़िल करेंगे तब तक इनको वहाँ से रिस्पेक्ट मिलेगी, इमोशंस मिलेंगे, केयर मिलेगी। बट जैसे ही कभी इनकी लाइफ में डाउन फेज़ आया या ऐसा फेज़ आया जब इनको नीड है उन लोगों की जो इनके अपने बने बैठे थे, तब इनको उन्हीं लोगों से ट्रिगर मिलना शुरू हुआ है। तो इनके कुछ ऐसे कार्मिक साइकल्स रहे हैं जिनसे इनका मन उचट गया है, एक तरह से डिटैचमेंट वाली, केतु वाली एनर्जी है, केतु डिटैच करता है। तो यहाँ पर इनको अब डिटैचमेंट हो गई, शनि ने असली चेहरा दिखा दिया है सबका, और अब केतु जो है वो अपना काम कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर जो एनर्जी है अब इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ छल हुआ है, मैंने जिसके लिए सबको छोड़ दिया, अपने प्यार को छोड़ दिया, अपने पर्सन को छोड़ दिया, जिसके साथ मुझे खुशी मिलती थी, जिसके साथ मैं रहना चाहती थी या रहना चाहता था, जिन लोगों के लिए मैंने उसको त्यागा, सेक्रीफाइस किया, वो लोग ही इनको धोखा दे रहे हैं, वो लोग ही इनका बुरा चाह रहे हैं, वो लोग ही इनके अपने नहीं हैं, सगे नहीं हैं। तो अब इनको अंदर से ये हो रहा है ना कि नहीं नहीं अब तो मुझे करेक्ट करना ही होगा, अब तो मैं जो क्रिएट करना चाहता हूँ वो करूँगा या करूँगी, और जो प्लान करूँगा उस पर एक्शन भी लूँगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ये वाली जो एनर्जी है, ये वाली जो फीलिंग्स है, ये यहाँ पर क्लियरली निकल कर आई है। आपके पर्सन ने थके थर्ड पार्टी की वजह से ना, एक तरफ आप थे, एक तरफ कोई और था, इन्होंने हमेशा आपको इग्नोर किया, हमेशा आपको छोड़ा है, हमेशा आपको सेक्रीफाइस किया है, दूसरे के चक्कर में, तीसरे के चक्कर में इन्होंने हमेशा ये सोचा है कि आपको, कि देखिए एक बात आप नोटिस कीजिए कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या बहुत ज़्यादा किसी को गिविंग हो जाते हैं ना, तो वो हमें हमारी कद्र नहीं होती है। जैसे प्याज टमाटर हो गए, अभी तो खैर टमाटर महंगा था, बट जैसे जो चीज़ें बहुत ज़्यादा थोक में मिलने लगती है ना, जैसे आप भर भर के उनको प्यार देने लगते हो, तो लोगों से डाइजेस्ट नहीं होता है, लोगों को लगता है कि ये तो भाई करता ही रहेगा या करती रहेगी, फिर वो उनके पीछे भागना शुरू करते हैं जो उन्हें भाव नहीं दे रहे। उनको ऐसा लगता है कि यार ये भाव नहीं दे रहा या नहीं दे रही है तो इसके पीछे भागो, ये तो है ही, ठीक है? तो आपने अपनी वैल्यू खुद ही कम की थी इनके लाइफ में, और अब आपने अपनी वैल्यू को पकड़ा है, आपने अपने आप को पेडस्टल पर रखा है कि नहीं अब मेरे से नहीं होगा, अब मेरे लिए कोई एक्शन लो तो ठीक है वरना आगे बढ़ो। तो जब इस एनर्जी में आप आए हो, आपने अपने आप को एक बाउंड्री में सेट किया है, केयर फ्री हुए हो, सक्सेसफुल हुए हो अपनी लाइफ में, राइट पाथ को चूज़ किया है, डिवाइन पाथ को चूज़ किया है, तब इनको असली जो रियलाइजेशन है और इनका जो कार्मिक साइकिल है वो शुरू हुआ है घूमना। ये जो चक्री है जैसे जैसे घूमेगी ना, इनको सबका चेहरा दिखने लगेगा। तो ये चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं। तो आपके पर्सन की ये हालत इसीलिए हुई पड़ी है क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बड़ी गलतियाँ करी हैं, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, तो अब ये धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं और अब सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ओवरऑल ये कलेक्टिव एनर्जी है, ठीक है? तो ये ओवरऑल इस एनर्जी का निष्कर्ष मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन, इमीडिएट एक्शन।
इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है एंजल्स? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए इसके पहले भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था, यहाँ से भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, वहाँ से भी मजिशियन आया था, यहाँ से भी मजिशियन है। इसका मतलब कि 100% ये वही क्रिएट करेंगी या करेंगे जो ये अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं। द रेबल की एनर्जी है, अथॉरिटी वाइज भी और जजमेंट वाइज भी ये खुद के बेसिस पर निर्णय लेंगे, किसी से पूछ के निर्णय नहीं लेंगे। कंप्लीशन की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये वही करेंगे जो इनको कंप्लीट करने में सहायक हो, वही डिसीजन लेंगे अपनी कॉन्शियसनेस से, किसी और का इनको कोई लेना देना नहीं, अपने दिमाग की सुनेंगे, अपने आप की सुनकर एक्शन लेंगे। कुछ पास्ट लाइफ की गलतियों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं आपके पर्सन, लेकिन आपको खोने का डर इनको वापस लेकर आएगा आपकी तरफ। द क्रिएटर की एनर्जी में आएंगे, बोल्ड स्टेप लेने की एनर्जी है, फायरी एनर्जी है, तो यहाँ पर देखिए फायर एंड वाटर की एनर्जी है विद अर्थ साइन, सभी साइन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है वो एक बड़े चेंज की है, एक मेजर शिफ्ट की है, और ये जो शिफ्ट है ये खुद क्रिएट करेंगे अपने बलबूते पर। और ये जो भी एनर्जी है ये आपके लिए 4 और 5 नंबर है, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली ये जो पूरी एनर्जी है ये 22 से 25 घंटे के अंदर की एनर्जी हो सकती है। इस रीडिंग को जब भी आप देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, उसके बाद 22 से 25 घंटे के अंदर ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, पास्ट में की हुई गलतियों के बारे में सोचेंगे, आपके बारे में केयरिंग होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, और आपके लिए इस रिश्ते के लिए कुछ बोल्ड एक्शन ले सकते हैं। तो अगर 22 घंटे के अंदर या 25 घंटे के अंदर आपके पर्सन का ये एनर्जी रहता है आपके प्रति, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं एंजल्स आज के दिन में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। सरेंडर, बहुत सारे व्यूवर्स के पर्सन यहाँ सरेंडर करेंगे, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल, किसी भी सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, और बैलेंस, जब ये सरेंडर करेंगे तभी ये बैलेंस में आएंगे, तो ये चीज़ें होने वाली हैं। हेल्थ वाइज भी काफ़ी लोगों के पर्सन की हेल्थ हो सकता है ख़राब हो या आपकी हेल्थ ख़राब हो, एंड जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये भी हो सकता है कि आप बहुत ही यूनिक पाथ को, और बहुत ज़्यादा जो आपकी लाइफ में थोड़ा हार्ड बट यूनिक पाथ है उसको आप चूज़ करो। आपको पता है कि ये पाथ बहुत टफ है, अब जैसे आप प्यार के रास्ते पे चल रहे हो, आपको पता है कि इस प्यार के रास्ते में बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं, लेकिन फिर भी आप इस पाथ को चूज़ कर रहे हो, तो ये आपका निर्णय है। तो वैसे ही आप कुछ निर्णायक फैसले ले सकते हो अपनी लाइफ को लेकर, अपनी किसी एरिया ऑफ लाइफ को लेकर, आप कुछ जजमेंट पास करने वाले हो आने वाले समय में, ये आपके लिए या आपके पर्सन के लिए हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ एंजल गाइडेंस, तो ये वाइस वर्सा एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, होप आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, और आने वाले समय में रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।